फिलहाल तो इस कोरोना की वजह से सारे लोग अपने घरों में बैठे अपने फैमिली के साथ कुछ ऐसी यादें बना रहे हैं जो उनको सालों साल याद रहने वाली है। मैं आपको लेके जा रहा हूँ ऐसी कुछ मेरी यादों में, मेरी ब्यूटीफुल जर्नी में, एंड आई होप आप ये जर्नी अपने घर पे बैठे ही देख रहे होंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल जर्नी। और रोज़ गार्डन से निकलते 10-15 मिनट में हम लोग रॉक गार्डन पहुंच गए। ज़्यादा दूर है नहीं, यहाँ पे एक बाहर काउंटर होता है जिससे आपको टिकट लेनी होती है और फिर आपको अंदर जाना होता है। तो मिलते हैं आपको सब देखने के बाद। फिलहाल हम जिस जगह पे खड़े हैं उसका नाम है रॉक गार्डन। इस जगह को बनाया था मिस्टर नेकचंद जी ने, जिनका जन्म हुआ था 15 दिसंबर 1924 में। वो PWD में बतौर रोड इंस्पेक्टर काम करते थे, मतलब सुबह PWD के लिए काम करना और रात को इस जगह के निर्माण के लिए काम करना। उस टाइम पे इस जगह को एक जंगल घोषित कर दिया था, इसका मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ बनाना गैरकानूनी था। पर नेकचंद जी ने करीब करीब 18 साल तक इस जगह को रहस्यमय रखा और बाकी किसी भी अधिकारी को इस जगह के बारे में पता चलने नहीं दिया। जब 1975 में प्रशासन अधिकारियों को इस जगह के बारे में पता चल गया था, तब तक तो ये जगह 12 एकड़ में बन चुकी थी, तो उनके लिए इस जगह को मिटाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो आप अगर गौर से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा नेकचंद जी ने अलग अलग टूटी फूटी चीज़ें और बहुत सारे अलग अलग पत्थर जमा करके ये जगह बनाई है। नेकचंद जी के नज़रों में ये एक देवी देवताओं की नगरी है जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा राज दरगाह, दूसरा हिस्सा आम जनता और तीसरा एंटरटेनमेंट, जिसमें एक्वेरियम, लाफिंग हाउस, डॉल म्यूजियम ऐसी कई अन्य जगहें भी है। उनके बार बार कोशिश करने के बाद आखिर में 1976 में इस जगह को सार्वजनिक पार्क के नाम से घोषित कर दिया गया था और उनके इसी कामगिरी के लिए उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। तो जब मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो टाइम अगर कोई आके मुझे ये बोल देता कि ये जो जगह है एक लौटे आदमी ने बनाई है, तो शायद ये बात मुझे झूठी लगती। Up with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. तो रॉक गार्डन की कलाकृति देखने के बाद हम लोग पहुँचे सुखना लेक। वो मतलब आधा किलोमीटर है रॉक गार्डन से। इतना ब्यूटीफुल नेचर है, मतलब जो रॉक गार्डन में था जैसे वो एक मनुष्य की कलाकृति थी, यहाँ पे जो है वो एक कुदरत की कलाकृति है। मतलब दो अलग अलग कलाकृति है जो बहुत बहुत बढ़िया है। अगर आप चंडीगढ़ आते हो तो मैं एक सजेस्ट करूँगा, अगर रोज़ गार्डन जाते हो नहीं जाते हो वो अलग बात है, पर ये दोनों जगह तो आपको जाना ही होगा। आप मेरे बैकग्राउंड में भी आप देख रहे होगे कि कितना ब्यूटीफुल नेचर है। यहाँ पे बोटिंग होती है, अम्यूजमेंट पार्क है बच्चों के लिए खेलने के लिए वगैरह है, या फिर फूड कॉर्नर है, बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे। तो हम लोग को थोड़ा लेट हो रहा है तो ये बोटिंग वगैरह हम लोग यहाँ पे कर नहीं पा रहे, तो यहाँ से अब निकलेंगे और जाएंगे शिमला। तो रास्ते में जाते जाते हम लोग लंच तो करेंगे, फिर मिलते हैं आपको। अगर लंच में कुछ अच्छा होगा तो ही आपको दिखाऊंगा, अगर कोई बुरा रहेगा तो फिर आपको दिखाऊंगा नहीं। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बाय। तो अगर आपको सड़क पार करनी है तो आपको ये बटन दबाना है, फिर आई थिंक वहाँ पर रेड जलता है देखो, तो अब आप आ जा सकते हो। मतलब ग्रीन लाइट हो गया लोगों के लिए, अगर आप बटन दबाते तो वहाँ पे ग्रीन लाइट हो रहा है।
आप अभी क्रॉस कर सकते हो। फिलहाल हम रुके अपना चूल्हा ढाबे पे, ये चंडीगढ़ से होके जब शिमला आप जाते हो वो बीच रास्ते में है। तो हमारे जो सारथी है पंडित जी, मतलब हमारे ड्राइवर, मैं ड्राइवर तो नहीं बोलूँगा बिकॉज बहुत एजेड है, हमारे सारथी, ठीक है, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ये ढाबे पे रुकते हैं, बहुत अच्छा खाना मिलता है। और चंडीगढ़ के रोड बहुत ही सही रोड है, बहुत ही क्लीन, और कोई ऐसा गलियां नहीं है, कुछ नहीं, सब हाईवे दिख रहा है, ऑलमोस्ट सब सेम दिखता है, बट बहुत अच्छे अच्छे रोड है। तो लंच होने के बाद हम शिमला के लिए निकलेंगे, यहाँ से 90 किलोमीटर शिमला बता रहे हैं, पहुँचते पहुँचते कुछ 5-6 बज जाएंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, देखेंगे इधर उधर कुछ घूमने के लिए रहेगा तो घूमेंगे, और कल तो है बस शिमला पूरा दिन घूमना है, और उसके बाद 2 दिन मनाली और अमृतसर, और फिर अपना अमची मुंबई बैक टू होम। तो फिलहाल मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, सब लोग वहाँ पे ऑर्डर वगैरह कर दिया है, मैं अपना गाड़ी में ये पूरा सेटअप करके बात कर रहा हूँ, तो जाते हैं खाना खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है शिमला में। एक्चुअली कल रात को हम लोग जैसे आए बहुत थके आ रहे थे, और फिर हम लोग खाना खा के सो गए, तो वीडियो एंड करने का टाइम नहीं मिला। को व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करो, और जो भी आपको बोलना होगा वो कमेंट में बता दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। बाय।